उसकी उम्र, माता पिता घर में एक परंपरा का निर्वहन करते थे कि जो कुछ बनता पहले भोग लगाते थे ठाकुर को, फिर खाते थे। सुनना, थोड़ी देर बातचीत मत करो प्लीज, अगर कुछ सुनना चाहते हो तो बातचीत मत करो। कलमा के माता पिता एक दिन शहर से बाहर गए, गांव से बाहर गए, अपनी 12 वर्ष की बच्ची कलमा बाई को ये बोल के गए कि जो कुछ बनाना पहले ठाकुर को भोग लगाना फिर खाना। आज बच्ची ने खिचड़ा बनाया, घर में बने मंदिर में बैठ गई, थाली में खिचड़ा है, ऊपर घी की कटोरी है, कहती थी खा ले, नखरे मत कर, बापू से डरता है आराम से खा लेता है, मैं खिला रही हूं तू नखरे कर रहा है, चल कन्हैया खा ले, कल से जो बोलेगा वही बना के खिलाऊंगी। आज माऊ तन रखी चढ़ो काल राबड़ी छाछ की, जीवो हमारा श्याम भणी जी बेटी जाग की, बार बार मंदिर में चलती बार बार मैं खोलती, कहिए कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी हो। एक छड़ी ले आई और छड़ी लेके खड़ी हो गई, बार बार मंदिर ने चढ़ती, दरवाजा बंद करती, बार बार मंदिर ने चढ़ती बार बार मैं खोलती, देखती कि थाली में सी पड़ी है, अब हाथ में छड़ी लेके कहती, कहिया कौन जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलते, तुझी में तो जद में जीऊं मानू ना कोई लाट के, जी मारा श्याम भणी जी मावे बेटी लाट के। सुना, उस बच्चे को याद आया कि बापू खिलाता था तो पर्दा लगाता था, मैं तो पर्दा लगाने भूल गई, ठाकुर शर्मिला है पर्दे में खाता है, पर्दो भूल गई सांवरिया पर्दो फेर लगायो जी, धावलिए के ओल की चढ़ो सांवरिए ने लगायो जी। धावलिए का मतलब पता है? नहीं मालूम। हरियाणा राजस्थान में जो घाघरा पहना जाता है छत्तीसगढ़ी का, उसे धावलिया बोलते हैं। भोली सी बच्ची थी, घाघरे के दोनों कोने पकड़े ऐसे, दोनों कोने पकड़ ऐसे फैला के खड़ी हो गई कि खा ले, अब तो तेरे को पता भी कर दिया, भावलिए के ओल की चढ़ो सांवरिए ने खायो जी, भोला खाला भगता से सांवरिया कहिया आट की, जीवो मारा श्याम भणी जी मावे बेटी जाट की, मावे बेटी जाट की, मावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु का हर खर गुण गावे लो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले, किसकी मूरत, मूरत बोले किसकी, काठ की श्याम की नहीं। अब आप में से कोई बताएगा मुझे, आपने हजारों बार ये भजन सुना होगा, काठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति हिंदुस्तान में कहां पूजी जाती है, कहां, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। धन्यवाद। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि नागौर राजस्थान में जन्मी हुई कलमा बाई और सोहन लाल लोहाकार जी खाटू के रहने वाले 105 वर्षीय बाबा के बहुत गुणी भजन लेखक और गायक ब्रह्मलीन संत थे, वो उन्होंने कैसे लिख दिया कि
की मूर्त बोले काट की। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तभी कहता हूं ना धर्म से जुड़ो, झंडे लहराने से कुछ नहीं होगा। हमारी कमजोरी क्या है कि हम अपनी जिंदगी में एक अभिवादन, अपना एक अभिवादन भी एक नहीं रख पाए। हमारे बच्चे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने लगे, हमने जैसा देखा वैसे बोलना शुरू कर दिया, नमस्कार भूल गए। नमस्कार संस्कृत का वो वर्ड है जिसमें ठाकुर का नमन भी होता है और आपका परिवार भी सज जाता है। जिसको आप नमस्कार करते हो उसका परिवार तर गया, और जिसने आपको नमस्कार किया आपका परिवार तर गया। हम एक अभिवादन नहीं बना सके आज तक। कितनी आसानी से हम भगवान बदल लेते हैं, कितनी आसानी से हम भगवान बदल लेते हैं, थोड़े से फायदे के लिए बाप का नाम बदल लेते हैं। लेकिन वो कर्मा भाई जिसके बारे में बताना चाहता हूं, जब पिता घर लौटे कर्मा ने कहा बापू ठाकुर ने भोग लगा लिया, ठाकुर ने खिचड़ी खाई। पिता ने सोचा शायद कोई बिल्ली बिल्ली खा गई होगी, बच्ची है। दूसरे दिन फिर कह दिया तू ही बना के भोग लगा। आज फिर कर्मा ने भोग लगाया, पूरा परिवार बैठ गया और आज फिर ठाकुर ने खिचड़ा खा लिया। पूरे गांव में चर्चा हो गई कि कर्मा की भक्ति कमजोर हो गई है, ठाकुर बाल रूप में खिचड़ा खाने आते हैं। कर्मा बड़ी हो गई, कर्मा का ब्याह हो गया, कर्मा ससुराल गई, वहां भी नित्य का नियम खिचड़ा बनाना, ठाकुर को भोग लगाना। कर्मा के बाल बच्चे हुए, कुछ वर्षों बाद कर्मा के पति की मृत्यु हो गई। कर्मा का मन प्रभु की भक्ति में ऐसा रम चुका था, एक दिन आधी रात कर्मा ने घर छोड़ा और रात के अंधेरे में पैदल चल पड़ी। भटकती भटकती उड़ीसा के जंगलों पर जा पहुंची कर्मा भाई। अब कर्मा बूढ़ी हो चुकी है। अब सुनना, मैं इन बात में आ रहा हूं। उस जंगल में कर्मा भाई ने कुटिया बनाई, उड़ीसा के जंगल में जगन्नाथपुरी के पास, और जंगलों में पानी की कमी होती है। कर्मा आज भी भोग बनाती थी, बिना स्नान किए कर्मा खिचड़ा बनाती थी। और पेड़ की टहनी जो दातुन के लिए तोड़ी जाती है उसी टहनी से खिचड़ा हिला देती थी, और रोज मेरा ठाकुर उस प्रेम के खिचड़े को खाने उस जंगलों में आता था। एक दिन संतों ने सुना कि कोई बूढ़ी मां है, ठाकुर जिसके प्रेम में बंध करके उसका खिचड़ा खाने आते हैं। संत कर्मा भाई के दर्शन करने पहुंचे, कर्मा भाई ने खिचड़ा बनाया और संतों ने जब देखा बिना स्नान किए कर्मा ने खिचड़ा बनाया है और दातुन वाली टहनी से हिला भी रही है, तो संतों ने कह दिया कर्मा भाई पाप कमा रही हो, बिना साफ सफाई के बिना स्नान ध्यान के ये भोग बनाती हो ठाकुर का, स्नान तो कर लिया करो। कर्मा भाई ने कहा जैसा आता था गुरु जी वैसा किया, मुझसे भूल हो गई, कल से जैसा आप बोलते हो वैसा करूंगी। दूसरे दिन कर्मा ने स्नान के लिए पानी ढूंढना शुरू किया, विलंब हो गई। स्नान में विलंबी खिचड़ा चढ़ाया ही था कि मेरा मुरली वाला बाल रूप में आकर के बैठ गया। मां भूख लगी है खिचड़ा खिला, मां भूख लगी है खिचड़ा खिला। कर्मा ने कहा कैसे खिला दू खिचड़ा,
वो संतान थे, उन्होंने नियम समझा दिए, नियम पूरे करने लग गई थी। ठाकुर ने कहा मां बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिला, मुझे मंदिर भी जाना है। जल्दी जल्दी विश्वकर्मा ने खिचड़ा बनाया और ठाकुर ने जीव खाना शुरू किया। सुनना, ठाकुर ने जीव खाना शुरू किया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में पुजारी जी ने घंटी बजा दी भोग की। खिचड़ा आधा अधूरा छोड़ करके लौट पड़े, लौट पड़े। पुजारी ने पर्दा हटाया तो देखता क्या है कि लकड़ी की मूरत में खिचड़ी लगी है मुंह पे। पुजारी असमंजस में कि मैंने भोग लगाया नहीं, ठाकुर को भोग और लगा दिया। रात को पुजारी जब सोए तो ठाकुर ने स्वप्न में दर्शन दिए, कहने लगे पुजारी जी कर्मा मां का खिचड़ा खाने गया था, आज मां ने खिचड़ा देर में बनाया, आपने भोग की घंटी बजा दी, मुझे दौड़ करके आना पड़ा, इसलिए मुंह भी साफ नहीं कर सका, मुंह भी साफ नहीं कर सका। लेकिन एक बात बोलो पुजारी जी, वो कुछ संत गए थे मेरी मां के घर, कुछ कुछ नियम कानून बता के आए हैं, स्नान करना, ये करना, वो करना, आज मां उसी में लग गई थी और खिचड़ा बनाया, लेकिन जो स्वाद पहले के खिचड़े में था आज उतना स्वाद में नहीं था वो खिचड़ा। जाके कह देना कि मेरी मां जैसे खिचड़ा मुझे बनाती है वैसे ही खिचड़ा मुझे चाहिए। संत पहुंचे कर्माबाई के पास, कहने लगे मां भूल हो गई, ठाकुर तेरी भावना के अधीन है, तू जैसा बनाती है वैसे ही बना के खिला। यह कथा सोहनलाल जी ने कब सुनी, जब बिड़ला जी सोहनलाल जी लोहाकार को लेकर के जगन्नाथपुरी के दर्शन को गए, एक हफ्ते वहां रहे, वहां ये कथा सोहनलाल लोहाकार जी ने जब सुनी तब इस भजन की रचना करी। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोल काटी, जीवो हर श्याम अब समझ में आया थाली भर के लाई खींच लो क्यों गाते हैं कि जिस भाव से लाए हैं ठाकुर उसी भाव से स्वीकार कर ले। जरा हाथ ऊपर करके गाना। कर्मा ने भक्ति का हमको ऐसा सबक सिखाया, नानी भाई के मारे के करते रहूंगा।
बापर में कृष्ण कन्हैया ने क्या अद्भुत खेल रचाया था, अद्भुत खेल रचाया था, क्या अद्भुत खेल रचाया था। ले पर परीप से शीश दान कल युग का देव बनाया था, कल युग का देव बनाया था, कल युग का देव बनाया था। तीन बाण काढ़े बैसा जे, तीन बाण काढ़े बैसा जे मेरे श्याम सजी ने के, तीन बाण काढ़े बैसा जे मेरे श्याम सजी ने के। मैनू खाटू वाला हे मैनू खाटू वाला जचदा है, जचदा है कोरे नीले ते। जिनको जिनको जचता है बाबा, किनको किनको नीले खोड़े पे देखो सामने नीला घोड़ा, और नाच के ये झूम के। We'll be right back.
तीन बार कांधे पे साजे मेरे शाम सजी लेके मैनू खाटू वाला जचदा है। भाई सब देखिए ये फरमाइशें हैं तो यही फरमाइशें चलूंगा मायरा फिर दो घंटे बेकार हो जाएगा डेढ़ घंटे ये मैं चलता हूं। अभी कथा आपको इतनी बढ़िया सुना दी मैंने इतनी देर की कथा देखी सुनाई ना नहीं मायरा नहीं तो भजन गाऊ अब दो घंटे हो गए मेरे को मायरा तो मैं फिर तो बैठ जाइए फिर मायरा ही गाऊंगा काम खत्म हो गया समय होता है ना हर चीज का कोई बात नहीं। ये आज तक प्रेमी कहते आए हैं भक्तजन कहते आए हैं गुणीजन कहते आए हैं भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े कोई भावना से ज्योति को जगा के देखने बोलती है मूर्ति बुला के देखने ये बोले कौन सी भाषा में हमें ज्ञान भी तो हो सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो संत मुनि मिल करके हमको राह दिखाते हैं जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं प्रभु दौड़े आते हैं भिड़नी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम सुनना भिड़नी के बेरों की खातिर आजकल भजनों की परिभाषा बदल गई है श्रोता बदल गए कि वक्ता बदला कि ठाकुर बदल गए कुर्ते सिलवाऊंगा पजामे सिलवाऊंगा ये भजन हो गए आज के हैरान हूं मैं हमने भी दिलो दिमाग गिरवी रख दिया है कभी सोचा नहीं कि ठाकुर के भजनों का ये स्वरूप भूल गए हम भिड़नी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम
साथ दोष मिलने का ही हिदा प्रभु को भारी चाव। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं। शबरी ने कौन सा ढोंग लिया था, कौन से हल्दीराम के 56 भोग इकट्ठे किए, मैंने कहा ना धर्म से जुड़िए तब भाव जगेंगे। शोर मचाने से भाव नहीं जमता। अगर यहां मनोरंजन करने आओगे तो संकट कटवाने कहां जाओगे, सिनेमा हॉल में? पूछो अपने दिल से कि अगर मनोरंजन करने के लिए ये जगह है तो दुख पड़ने पर संकट कटवाने के लिए सिनेमा हॉल में बैठोगे क्या? समझ में आता है? मैं फिर कहता हूं, कहीं से ना हिंदू खतरे में ना हिंदुत्व तो खतरे में है। पहले आप स्वयं अपने धर्म के पक्के तो होइए। ये तो हम हैं कि थोड़ी सी परेशानियां आती है तो मजाक में माथा टेक के पहुंच जाते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। सबसे बड़ी बात, संस्कार हमारे बच्चों के खराब हो और दोष दूसरों को देना। हमारा बच्चा धर्म के बारे में जानना नहीं चाहता, हमारी माताएं बहनें बताना नहीं चाहती। श्री रामचरितमानस का एक एक करैक्टर, एक एक चरित्र अपने आप में एक मिसाल है। राम जी जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं, कैकेयी को उम्मीद नहीं थी कि राम मुझसे मिलेंगे, क्योंकि जिस राम को गद्दी मिलने वाली थी उसे अगले दिन वनवास माता कैकेयी के कहने पर हुआ था। लेकिन जब राम अयोध्या लौटे, माता कौशल्या इंतजार करती रह गई कि राम पहले मेरे पास आएंगे, लेकिन राम ने कह दिया पहले मैं माता के कैकेयी से मिलना चाहता हूं। ये है हमारा रामचरित्र। इन बच्चों को बताओ कि चिल्लाने से, नारे लगाने से, कूदने से राम राज नहीं आएगा। राम राज तब आएगा जब रामचरित्र मन में बसाओगे। पहले कैकेयी के पास पहुंचे, कैकेयी देख के हैरान, कैकेयी डर गई कि कहीं मुझे गुस्से में मारने तो नहीं आ रहे। लेकिन जब राम कैकेयी के निकट आए, पांव पे झुक गए, कैकेयी रोने लगी कि मुझ जैसे पापी को तुमने क्षमा कर दिया, तेरे पिता के मृत्यु का दोष भी मुझ पर है, क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया? तो राम जी ने कहा माता मैंने तुम्हें गुनाहगार माना ही कब था, जो तुम्हें क्षमा करना, मैं क्षमा करने वाला कौन, मैंने तो कभी तुम्हें गुनाहगार नहीं माना। क्योंकि राम को राम बनाने वाली तो तू है, अगर तू वनवास ना भेजती तो मैं सिर्फ राजा राम होके रह जाता, लेकिन आज सारे जहां में मेरी कीर्ति जो है राम के रूप में वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने वन भेज करके राम को राम बना दिया, तूने वन भेज के राम को जन जन का राम बना दिया। एक एक कैरेक्टर सुनाने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी। श्री रामचरितमानस सबके घर में है,
क्षमा करना। कई घरों में तो पड़ी होगी और धूल खा रही होगी, कभी 6 महीने 8 महीने साल में दीपावली के दिन उठा करके उसे झाड़ लिया जाता होगा। माफ करना, ऐसे राम राज नहीं आए। दो चौपाइयां रोज पढ़िए घर में, मतलब समझ के पढ़िए। जिस घर में श्री रामचरित मानस पढ़ी जाती है, मतलब समझ के पढ़ी जाती है, मैं गारंटी देके जाता हूं उस घर में कभी भाई भाई से झगड़ा नहीं कर सकता। अगर मतलब समझ के पढ़ी जाए, आप टोले टोट के पूछने जाते हो ना, मेरे घर में कलह है, घर में रामचरित मानस पढ़ो, दो चौपाइयां चार चौपाइयां पढ़ो, मतलब समझ के पढ़ो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भाई भाई से झगड़ा नहीं करेगा। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा मेरा सम्मान नहीं करता अगर उस घर में रामचरित मानस पढ़ी जा रही है। और जिस घर में रामचरित मानस हो और भाई भाई से लड़ते हो, माता पिता का सम्मान ना होता हो, बड़े छोटे का सम्मान ना होता हो, उस घर से क्षमा करिए। रामचरित मानस छीन लेनी चाहिए, उस घर में रामचरित मानस रहने का अधिकार नहीं। हमने अपने ग्रंथों की इज्जत करनी बंद कर दी। हम पकौड़ियों में, गोलगप्पों में, चटनियों में कृपा ढूंढने लगे और दोष दूसरों को देते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। हमने धर्म को माना ही कब था। मैं फिर कह रहा हूं, क्षमा करिएगा। धरनी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्तों से मिलने का ही रहता प्रभु को भारी चाव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं।